नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर आंगनबाड़ी बहने, आशा बहने और जो है कि संविदा पर नियोजित कर्मी जिनमें जो है कि MDM रसोईया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट हम लेकर आए हैं। दोस्तों, केंद्र के प्रस्ताव पर तमाम राज्यों में एक साथ आंगनबाड़ी बहने, आशा कर्मी और जो है कि तमाम MDM रसोईया सहित अन्य कर्मियों के वेतन में वृद्धि का प्रस्ताव जो है कि तैयार किया गया है, उससे जुड़ी हुई सारा अपडेट हम जो है कि वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आपको बताते चले कि हम आए दिन जो है कि आंगनबाड़ी बहने, आशा कर्मी और जो है कि तमाम MDM रसोईया आदि संविदा कर्मी का आवाज इस चैनल के माध्यम से बुलंद करते रहते हैं। हमारी आवाज का असर यह हुआ कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में भी आधा दर्जन से अधिक संविदा पर नियोजित कर्मियों का सरकार ने जो है कि वेतन वृद्धि किया, किंतु आंगनबाड़ी बहनों का वेतन जो है कि 18,000 से कम आज भी कर दिया गया है, जो गहरे दुख और खेद का विषय है। इसी के खिलाफ जो है कि हम जन आंदोलन की तैयारी करने में लगे हैं। हम जो है कि आंदोलन भी करेंगे, रोड पर भी उतरेंगे और रोड पर जो है कि धरना प्रदर्शन और तमाम तरह के कार्यक्रम के साथ साथ उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे, ताकि आंगनबाड़ी बहनों, आशा कर्मी और जो है कि MDM रसोईया सहित तमाम संविदा पर नियोजित कर्मियों के वेतन को 18,000 से अधिक यानी कि विकास मित्रों का जिस तरह 25,000 रुपया बिहार सरकार के द्वारा वेतन किया गया, जबकि आंगनबाड़ी बहने उससे ज़्यादा कार्य करती हैं, उससे ज़्यादा जो है कि उनका वर्क है, उससे ज़्यादा जो है कि उनका जो है कि सब कुछ है, फिर भी जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को महज 1,000 का लॉलीपॉप बिहार जैसे राज्य में दिया गया है। अन्य राज्यों में भी वेतन वृद्धि का प्रस्ताव लंबित है, जिसके खिलाफ जो है कि सरकारों के खिलाफ आंगनबाड़ी बहने आए दिन अपने अपने जो है कि राज्यों में आंदोलन करती है। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की एक प्रस्ताव है, प्रस्तावित योजना के अनुसार तमाम आंगनबाड़ी बहनों, आशा कर्मियों का वेतन जो है कि 18,000 से अधिक करना है, लेकिन मूल बात, मूल विषय बिहार में आकर अटका हुआ है। बिहार जैसा राज्य जिसमें विकास मित्र बंधुओं का वेतन जो है कि 25,000 रुपए तो किया गया, जिसकी बधाई हम इस चैनल के माध्यम से तब मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री और तमाम सरकार में शामिल अधिकारियों को दिए, किंतु आंगनबाड़ी बहनों के लगातार आंदोलन करने के बावजूद भी उनके वेतन को महज जो है कि 1,000 से 1,500, 1,000 रुपए वृद्धि, महज 1,000, 1,500 नहीं, 1,000 रुपए वृद्धि करके छोड़ दिया गया। इसी बीच केंद्रीय गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसके अनुसार आंगनबाड़ी बहनों को EPF का लाभ देना अनिवार्य है, किंतु जो है कि बहुत सारे राज्यों सहित बिहार में भी आंगनबाड़ी बहनों को EPF का लाभ प्राप्त होने का जो है कि रास्ता अभी खुला नहीं है, क्योंकि 12,000 रुपए से अधिक मानदेय वाले कर्मियों को ही EPF का लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ राशि सरकार जमा करती है और कुछ राशि उनके मानदेय से कटता है। तो महज 7,000 रुपए मानदेय में आंगनबाड़ी बहनों का और आशा कर्मियों का कोई मानदेय ही निर्धारित सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो है कि इस बात की घोषणा कर चुके थे स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए कि आंगनबाड़ी बहनों का के साथ साथ आशा कर्मियों के वेतन में भी वृद्धि होगी, किंतु वह वृद्धि अब तक नहीं हो पाई, जिसके खिलाफ हम बड़े आंदोलन की तैयारी में लगे हैं, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों सहित आशा कर्मियों की सहयोग की आवश्यकता है। साथ ही बिहार के विद्यालयों में कार्यरत MDM रसोईया को महज 1,600 रुपये मानदेय देकर उनका जो है कि चौतरफा शोषण का खेल चल रहा है, जिसमें जो है कि वे कार्य करते वक्त जल भून जाते हैं, फिर भी जो है कि उनको जो है कि 1,600 रुपये महज राशि दी जाती है। बहरहाल, केंद्र की एक प्रस्तावित योजना है, जिसके तहत तमाम कर्मियों को जो है कि एक समान
वेतन निर्धारित कर उनको जो है कि ईपीएफ का लाभ दिया जाना अति आवश्यक है। हम उम्मीद करते हैं कि जो यूट्यूब पर चैनल पर उपलब्ध हैं और जो वीडियो देखती हैं आंगनबाड़ी बहनें, आशा कर्मी, एमडी में रसोईया, संविदा कर्मी जो चैनलों के माध्यम से हमसे अपडेट लेती हैं, उनके लिए जो है कि हम हमेशा तैयार रहते हैं और दिल की गहराइयों से ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं और जो है कि सड़क पर आंदोलन करने का काम करेंगे कि उनका वेतन, उनको जो है कि उनका अधिकार, उनको जो है कि उनको लाभ और उनके लिए जो है कि उनकी जो मांग है उसको जो है कि पूरा करवाया जा सके। वैसे हम आपको बताते चले कि केंद्र की प्रस्तावित योजना यदि लागू की जाती है तो उसके अनुसार आंगनबाड़ी बहनें, आशा कर्मी और जो है कि एमडीएम रसोईया का वेतन स्वतः 12,000 से अधिक हो जाएगा और इनको ईपीएफ का लाभ मिलने लगेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब चुनाव करीब है और आदर्श आचार संहिता लगने वाला है और जो है कि सरकारें, राज्य सरकारें सुन नहीं है। राज्य सरकारों का शोषणकारी रवैया के विरुद्ध देश में एक जो है कि महाआंदोलन की शुरुआत होनी है जो कि बिहार से होकर जो है कि तमाम राज्यों में होते हुए और जो है कि दिल्ली जंतर मंतर तक पहुंचकर जो है कि धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हम तय करने जा रहे हैं, जिसके तहत आंदोलन, धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन अनशन, सांकेतिक धरना आदि करने के बाद उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक परिवाद दायर कर आंगनबाड़ी बहनें, आशा कर्मी और एमडीएम रसोईया सहित संविदा पर नियोजित कर्मियों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ने की दिशा में हमने जो है कि कदम बढ़ाने की ठान ली है। बस इंतजार इस बात का है कि केंद्र की प्रस्तावित योजना को राज्य सरकारें लागू करती हैं या नहीं करती है, यह देखने के बाद ही जो है कि आगे की कार्यवाही प्रस्तावित होगी। आपको बताते चले कि YouTube चैनलों पर उपलब्ध आंगनबाड़ी बहनें, आशा कर्मी, एमडीएम रसोईया, संविदा कर्मी जब चैनल के माध्यम से वीडियो से अपडेट लेते हैं तो वीडियो का रैंकिंग बढ़ता है, जिसे केंद्र व राज्य सरकारें जब सोशल मीडिया सर्च करी, बहनों का मांग स्वतः सरकार तक पहुंच जाता है और सरकार समझ जाती है कि अभी सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। इसी के उद्देश्य से जो है कि हम प्रत्येक रोज आंगनबाड़ी बहनें, आशा कर्मी, एमडीएम रसोईया सहित तमाम संविदा पर नियोजित कर्मियों से जुड़ा हुआ मांग यूट्यूब चैनल के माध्यम से करते रहते हैं, ताकि केंद्र व राज्य सरकारें जब सोशल मीडिया सर्च करें तो उसे पता चले कि राज्य और देश की आंगनबाड़ी बहनें, आशा कर्मी और एमडीएम रसोईया सहित तमाम संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि की आवाज़ बुलंद हो रही है और सारे इसको देख रहे हैं और उनको पता चल जाए कि यह संगठित लोग एक दिशा में जब बढ़ेंगे तो राजनीतिक रूप से किसी को भी क्षति पहुंचाने की ताकत जो है कि आंगनबाड़ी बहनों, आशा कर्मी, एमडीएम रसोईया सहित तमाम संविदा कर्मियों के पास मौजूद है। तो हमने आपको अपना कार्यक्रम बताया, केंद्र सरकार की प्रस्तावित योजना के बारे में जानकारी दी, साथ ही हमने बताया कि प्रत्येक रोज वीडियो बनाने का उद्देश्य आंगनबाड़ी बहनों, आशा कर्मी, एमडीएम रसोईया, संविदा कर्मी को इंसाफ दिलाना है। साथ ही हमने घोषणा की कि हम सड़क से लेकर जो है कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तक जो है कि लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बस जरूरत है आपके सहयोग की, ताकि आंगनबाड़ी बहनों, आशा कर्मी और तमाम संविदा कर्मी, एमडीएम रसोईया को हम इंसाफ दिलवाने में कामयाब हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में आंगनबाड़ी बहनें, आशा कर्मी, एमडीएम रसोईया, संविदा कर्मी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए जो है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जो है कि लाइक कीजिए, ताकि आपकी आवाज़ को हम सरकार के कारिंदों तक और जो है कि उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने में कामयाब हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।